मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीट हूँ, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे छुड़ाए। तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर न जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। बहुत से सांड मेरे चारों ओर खड़े हैं, बाशान प्रदेश के सांड मुझे घेर रहे हैं। वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने से पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई, मेरी जीवा तालू से चिपक गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्टी डालते हैं। प्रभु, मुझसे दूर न जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से। मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इसराइल के सब वंशजों, उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीनहीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई, उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूंगा, मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वो खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा।